हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स का जो अल्फा कार्बन होता है उसकी वजह से क्या क्या रिएक्शंस पॉसिबल है, उन सभी रिएक्शंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अल्फा कार्बन कौन सा होता है? कि जो भी हमारा कार्बोनाइल कार्बन होता है उसके नेक्स्ट में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये कार्बोनाइल कार्बन है हमारा, इसके नेक्स्ट कार्बन कौन सा है? ये, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। दिस वन इज अल्फा कार्बन। तो आज हम जितने भी रिएक्शंस देखेंगे उन सभी रिएक्शंस में कार्बोनाइल कंपाउंड्स का ये अल्फा कार्बन इन्वॉल्व होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। तो जो भी हमारे एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बोनाइल कार्बन के साथ उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन कौन से कार्बन होते हैं? कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो भी कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन। दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा। अगर और आगे होता है तो वो गामा कार्बन। और अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो भी हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं ये हाईली एसिडिक होते हैं। ये वाले जो हाइड्रोजन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये हाईली एसिडिक होते हैं। अब ये एसिडिक क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम इनकी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन हाइड्रोजन मतलब इस कार्बोनाइल कंपाउंड की जब बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे ये जो दो हाइड्रोजन है इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो बेस क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा। अब बेस जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेगा तो यहाँ पर क्या कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज ईजिली स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस की वजह से। ये नेगेटिव चार्ज ईजिली स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस की वजह से। अब एक चीज़ हमने पहले डिस्कस की हुई है, जब भी किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस स्टेबल हो जाता है तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पे जब एक हाइड्रोजन निकालने के बाद ये जो कंजुगेट बेस बनता है ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है, इसीलिए ये जो कंपाउंड होते हैं ये एसिडिक होते हैं। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि ये जो कार्बोनाइल जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लेता है। इसके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होने की वजह से ये जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है ये वीक हो जाता है। अब ये ईजिली ब्रेक हो जाएगा। अब जब ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक होगा तो ये कार्बन हाइड्रोजन का जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से हमें H पॉजिटिव मिलेगा प्रोटॉन। और इसी वजह से हमारे जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनके अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे बताई हुई है। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये एक एनायन बनता है। ये एनायन रेजोन कार्बेनायन, इसको क्या बोलते हैं? कार्बेनायन, क्योंकि ये जो एनायन नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर आया है। तो ये जो कार्बेनायन है ये रेजोनेंस की वजह से ऐसे स्टेबलाइज हो रहा है। और इसकी वजह से जब ये रेजोनेंस होती है तो ये एक आयन बनता है दूसरा। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। तो ये जो आयन है इसको क्या बोलते हैं हम? इनोलेट आयन। तो जो भी हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं जब वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? इनोलेट आयन। अब जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो इनोलेट आयन बनेंगे। और इनोलेट आयन बनने की वजह से बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर। तो अभी हम सभी रिएक्शंस को वन बाई वन देखेंगे। तो सबसे पहले है एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है? ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, जब वो जुड़ेंगे तो कुछ छोटे मॉलिक्यूल जैसे वाटर हो गया,
या फिर अमोनिया हो गया, वो उस टाइम पे उनमें से निकल जाते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का क्या मतलब है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल होंगे हमारे एल्डिहाइड के, उनकी रिएक्शन हम करवाएंगे बेस के साथ। जब दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो पहले जो कंपाउंड बनेगा उसको बोला जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही हम क्या बोलते हैं? एल्डोल। एल्डोल का मतलब क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसको एल्डोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइड्रोक्सी का मतलब इसमें OH ग्रुप है। OH ग्रुप के लिए हम IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या वर्ड यूज करते हैं? OL। और एल्डिहाइड तो हमारे यहाँ पे है, तो ये एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों होते हैं, इसीलिए इनको एल्डोल बोलते हैं। एल्ड का मतलब एल्डिहाइड से, ओएल का मतलब एल्कोहल से। तो ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है इसको एल्डोल बोला जाएगा। और जब एल्डोल को हम हीट करते हैं, जब ये जो एल्डोल बना है इसको हम हीट करेंगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा और हमारे पास अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। तो इस कंप्लीट रिएक्शन को, इस ओवरऑल रिएक्शन को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब ये समझने की कोशिश करिए इसमें क्या हो रहा है कि दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और जब वो बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोल। तो एक तो ये स्टेप होगा, दूसरे स्टेप में जब हम एल्डोल को हीट करते हैं तो उसमें से वाटर निकल जाता है और हमारे पास क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। इस कंप्लीट रिएक्शन को बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। अभी हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये हमारे पास कोई एक एल्डिहाइड है RCH2CHO, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, तो इसके ये दो मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं बेस की प्रेजेंस में। तो दो मॉलिक्यूल जब रिएक्शन कर रहे हैं बेस की प्रेजेंस में तो हमारे पास क्या बन रहा है? यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा ये अल्फा कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन से जो भी पहला कार्बन जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? बीटा। तो बीटा पे यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो बीटा हाइड्रोक्सी, ये कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये पूरा है तो एल्डिहाइड, ये जो कंपाउंड है ये एल्डिहाइड है, लेकिन इसकी बीटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सी। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्डोल। ये क्या बन गया हमारा? एल्डोल, जब दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ने बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन की है। अब इस एल्डोल को हम हीट कर रहे हैं, अब इस एल्डोल को हम हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा, -H2O वाटर रिमूव हो रहा है यहाँ से। अब वाटर कहाँ से? एक तो ये OH यहाँ से रिमूव हो रहा है और यहाँ पे अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो रहा है यहाँ से। तो जब एक इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एक इस कार्बन से OH रिमूव हो रहा है और -H2O ओवरऑल रिमूव हो रहा है, तो इसलिए अल्फा और बीटा के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? अब ये अल्फा बीटा, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब अनसेचुरेशन, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड ये बन गया है हमारा। और ये जो कंप्लीट रिएक्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिट एल्डिहाइड का। तो ये दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं बेस की प्रेजेंस में। अब बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के ऊपर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो बीटा हाइड्रोक्सी और ये एल्डिहाइड है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है। इसका एग्जैक्ट नेम बताएं तो हम, बीटा पोजिशन पर यह हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन का एल्डिहाइड, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन गया है ये। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोल। जो भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है उसको क्या बोला जाता है?
एल्डोल। जब इसको हम हीट कर रहे हैं यहाँ पे तो माइनस एच टू ओ हो जाएगा। अब एच टू ओ कहाँ से होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और ओ एच यहाँ से, और इनके बीच में क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड। तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया है, जिसका यहाँ पे नाम क्या है, ब्यूटूइनल, ब्यूटूइनल। ठीक है, तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन। तो आई होप कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है समझ में आ गया है। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि ये दोनों आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। तो अभी हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में कैसे बन रहा है। तो इसके लिए अभी हमें मैकेनिज्म देखना होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का जब हम मैकेनिज्म देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। सबसे पहले क्या बनेगा, इनोलेट आयन बनेगा। हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, एसिटाल्डिहाइड वाला एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन सबसे पहला काम होता है। अब इनोलेट आयन कैसे बनेगा कि ये जो एसिटाल्डिहाइड है इसकी हमने बेस के साथ जब रिएक्शन कराई है तो इसका हमें पता है अल्फा जो हाइड्रोजन होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के वो एसिडिक होते हैं। तो बेस क्या करेगा, यहाँ से इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो यहाँ से ये माइनस एच टू ओ हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। अब ये कार्बन आयन बना है और इसकी रेजोनेंस की वजह से ये इनोलेट आयन बनता है, जैसा कि हमने पहले यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो ये इनोलेट आयन यहाँ पे बना हुआ है, इनोलेट आयन बन चुका है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ इनोलेट आयन ऑन सेकंड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। अब देखिए, हमने बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन में कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड के, दो। तो एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ने तो इनोलेट आयन बना लिया, दूसरे वाला एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल अभी तो इंटैक्ट है, वो बचा हुआ है। अब ये जो इनोलेट आयन बना है ये दूसरे वाले एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है उसके कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ये मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ये ऐसे कि ये हमारे पास सेकंड एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बचा हुआ है यहाँ पे, ये इनोलेट आयन है। तो अब क्या होगा कि कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये इनोलेट आयन क्या करेगा कि ये नेगेटिव चार्ज इनोलेट आयन का इधर ट्रांसफर होगा रेजोनेंस से, और ये जब इधर ट्रांसफर होगा तो कार्बन के फोर बॉन्ड यहाँ पे ऑलरेडी है, इसीलिए यहाँ ये डबल बॉन्ड इस तरीके से इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब इस कार्बन के भी ऑलरेडी फोर बॉन्ड है, तो अब क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ है, यहाँ पे इस CH2 ने यहाँ पे इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया है, और ये जो कार्बोनाइल कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड था ये इधर ऐसे शिफ्ट हो गया है। अब क्या होगा, अब इन दोनों से क्या बनेगा कि ये CH3 हमारा, ये CH3 है, इस CH के ऊपर ये O नेगेटिव बन जाएगा। CHO नेगेटिव क्योंकि डबल बॉन्ड था वो ऊपर शिफ्ट हो गया था। यहाँ पे अटैक किसने किया है, इस CH2 ने, तो ये CH2 यहाँ पे रहा। और जब ये वापस आएगा, ये इनोलेट आयन में कैसे होता है, इसी तरीके से होता है ये इनोलेट आयन। ये और अच्छे से आपको दिखा देता हूँ मैं, इनोलेट आयन इस तरीके से होता है, ये ऐसे आ गया है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये डबल बॉन्ड बन गया है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था पहले, तो ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप फिर से फॉर्म हो गया है। अब यहाँ पे ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये ओ नेगेटिव की प्रोटोनेशन हो जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट है हमारा वाटर वहाँ पे, तो ये ओ नेगेटिव जो है यहाँ पे वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी तो इसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी, और ये प्रोटोनेशन हो जाएगी तो यहाँ पे अब ये बन गया हमारा अल्फा, ये बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। तो ये एल्डोल बन गया है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या देखा है आपने कि एक एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन, कि एक जो एल्डिहाइड होगा उसका अल्फा कार्बन दूसरे वाले एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन से जुड़ा है। ये तो हमारा एक पहले वाला एल्डिहाइड है, इसका तो ये अल्फा कार्बन, और ये दूसरे वाला जो एल्डिहाइड है इसका ये कार्बोनाइल कार्बन। तो
जब भी एल्डोल कंडेंसेशन होती है तो एक एल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल कार्बन है और दूसरे वाले एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। जैसे कि ये कार्बन दिख रहा है आपको, ये अल्फा कार्बन है इसका और ये दूसरे वाले का कार्बोनाइल कार्बन है, तो इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो जब कंडेंसेशन होती है तो कौन कौन से कार्बन आपस में जुड़ते हैं? एक एल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन और दूसरे वाले एल्डिहाइड का अल्फा कार्बन, तो ये यहाँ पे हमारा एल्डोल बन गया है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल। अब जैसा कि हमने बताया था कि जब भी इस एल्डोल को हीट किया जाएगा तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। अब वाटर कैसे रिमूव होगा? एक तो ये हाइड्रोजन हमारा अल्फा कार्बन से रिमूव हो रहा है और ये बीटा कार्बन पे क्या है हमारा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक ये रिमूव हो जाएगा। तो जब अल्फा और बीटा कार्बन से दो ग्रुप रिमूव हो गए, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये हमारा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। तो इस तरीके से होती है एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन होती है एल्डिहाइड्स के बीच में, सेम उसी तरीके से कीटोन्स, ऐसे कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो वो कीटोन्स भी सेम इसी तरीके से रिएक्शन करते हैं बेस की प्रेजेंस में और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, जिनको कीटोल्स बोला जाता है। एल्डिहाइड के लिए एल्डोल बोला जाता है और कीटोन्स के लिए कीटोल्स बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनकी रिएक्शन भी ऐसे ही होगी, दो कीटोन है बेस के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, तो आपको पता है जब भी इस तरीके की कंडेंसेशन रिएक्शन होती है कीटोन भी किसकी तरह रिएक्ट करते हैं, एल्डिहाइड की तरह बेस की प्रेजेंस में। तो एक का तो अल्फा कार्बन, ये इसका अल्फा कार्बन और दूसरे वाले का कार्बोनाइल कार्बन, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो एक का तो ये कार्बोनाइल कार्बन है और दूसरे वाले का ये अल्फा कार्बन है, ये आपस में जुड़ गए हैं। ये इसका अल्फा कार्बन और ये इसका कार्बोनाइल कार्बन, ये CH3 में नीचे दिखाया हुआ है, तो ये इस तरीके से जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, ये अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो कीटोन के केस में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, जिसको हीट करेंगे तो हम फिर से वाटर यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हमारा एच निकलेगा और यहाँ से OH। तो जब वाटर रिमूव होगा तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन यहाँ पे बन जाएगा। तो कीटोन्स के केस में भी एल्डिहाइड की तरह कंडेंसेशन होती है। अब एक चीज़ यहाँ पे जो आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या बनता है? इनोलेट आयन। इनोलेट आयन कब बनेगा? जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं होंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे है CH3, CH3, CH3 और ये CHO है, क्या ये वाला एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर सकता है? ये एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका अल्फा कार्बन कौन सा है? जो कार्बन कार्बोनाइल कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, ये हमारा अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। जब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो हमारा इनोलेट नहीं बनेगा, क्योंकि इनोलेट कब बनता है? जब अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो यहाँ पे इनोलेट नहीं बनेगा। जब ये इनोलेट ही नहीं बनेगा तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। तो ये कंडीशन जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी।